सो हे गाइस, दिस इज मी विक्रम शर्मा साइनिंग इन बैक अगेन ऑन माय चैनल विक्रम शर्मा माइस्टर मेमोरी। दोस्तों स्वागत है आपका आज फिर एक नए दिन की नई शुरुआत। संडे का दिन है भाई, बस अभी हम नहा धो के अभी मैं बाथरूम में रेडी होके अभी निकलेंगे। मैडम के साथ जाना है, हमने काफी काम है करके यार, क्योंकि संडे का एक दिन होता है। कल शायद मैं जयपुर में रहने वाला हूँ, एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, पता नहीं शायद रहूंगा या कैंसिल करूंगा, क्योंकि एक और अर्जेंट काम आ गया है दिल्ली में, तो कुछ मुझे बैंकिंग के काम भी हैं। तो भाई अभी बस नहा धो के भागने की तैयारी हो रही है और टाइम दिखाते हैं अभी आपको क्या हो रहा है। तो आज का आधा दिन निकल चुका है, तो शाम तक रात तक ही हम आएंगे। अब डिनर के टाइम पे ही घर पहुंचेंगे हम लोग यार। आज 3:30 बजे ओलंपिक्स भी तो आ रहा है यार, इंडिया बहुत बढ़िया खेल रहा है, काफ़ी बाउंड्री लाइन पे आ गए हम लोग, कई मैचेस को हम लोग हारे हैं, बट वहाँ तक पहुँचना भी यार हमारे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत बढ़िया खेल रहे हैं भाई। तो आज सेन का बैडमिंटन मैच है, वो देखना मत भूलना, 3:30 बजे के करीब है, एक बार चेकआउट कर लो यार, आई थिंक 3:30 बजे है। तो बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला, बहुत सुपर प्लेयर है यार, सो चीयर हिम अप, सपोर्ट हिम, इंडिया शुड विन दिस मैच यार। तो भाई अब हम चल पड़े हैं और अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं ब्लैक पैंथर में और आज की दिनचर्या शुरू करने लगे हैं। तो भाई समय हो रहा है अभी 1 बज गया है और बस अब हम निकले हैं काले चित्ते में। ओहो आगे भाई गाड़ी की इंस्ट्रक्शन हुक्म देती है, पहन रहे चाचा, पहन रहे पहन रहे। तो सीट बेल्ट का पूरा ये जो है डंडा कर देती है गाड़ी हमारी। तो भाई अभी हम आ गए अपने डीटी मॉल में गुड़गांव में, यहाँ पे चल रही है थोड़ी सी, कुछ खरीदना है सामान, तो मैडम अपने गई हुई है शॉप में, देखने क्या लेना है क्या नहीं। तो आज का दिन तो ऐसे ही चलेगा भाई। आज गुड़गांव में ना बहुत लोग कम है और ट्रैफिक बहुत कम है आज, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है आज, बट है ऐसा आज। तो भाई ये हमारी फेवरेट शॉप है मोहनलाल एंड सन्स, यहाँ पे हम हमेशा शॉपिंग करते हैं। तो बहुत जल्दी मतलब कभी कुर्ता पजामा कुछ खरीदना हो किसी फेस्टिवल वगैरह पर तो यहीं से होता है, देख रहे हो आप, बहुत जल्दी भाई अंशी को भी इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, टाइम है अभी, बट देख रहे हैं सही, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना विनोद क्या कह रहे हैं हम। सो भाई वी जस्ट कम टू कॉस्टा, आके बैठ गए हैं अभी, थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली है, काम कर लिया है और अभी हम जाएंगे दोबारा से कॉफ़ी पियेंगे बाहर का सीट बहुत बढ़िया आपको मेट्रो दिखाता है, और इसके बाद जाएंगे हम एम्बियंस, वहाँ थोड़ा काम है और उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। और टाइम भी अभी मेरे ख्याल से हो ही गया है, 3:30 बजे हैं यार, 1 बजे के निकले मैं घर से, तो आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा, संडे है, कल अपने को जयपुर जाना है, बाहर का सीट दिखाता हूँ बहुत बढ़िया। तो भाई देख रहे हो बाहर का व्यू कितना सही है यार, वो जा रही है मेट्रो, येलो डेकोरेट कर रही है यार बहुत सही, और ये पूरा डीटी मॉल के अंदर बैठे हुए, ये हमारा बहुत बढ़िया एम्बेंस है यार कॉस्टा का। तो भाई वेलकम टू कॉस्टा, दिस लोकेशन इज गुड यार, तो ये गैलेरिया से बहुत बेटर लोकेशन है यार, देख रहे हो वो जा रही है मेट्रो यार, आई लाइक इट यार। तो भाई ये आ गई हमारी कॉफी, कॉस्टा की कॉफी बेस्ट है यार, जब भी पीने हो भाई कॉस्टा पियो, दी बेस्ट कॉफी, आई लव द फ्लेवर। और हम बड़ा वाला कप लेते हैं क्योंकि पूरी पीनी आती है तो हम आधा शेयर करते हैं। वो देखो मेट्रो दोबारा जा रही है यार, और ऊपर बादल देख रहे हो भाई साहब, बादल बने हुए पूरे बारिश के, बहुत बढ़िया यार गुड़गांव का मौसम हो रहा है यार। तो ये रही हमारी कॉफी और इधर चल रहा है अपना ओलंपिक मैच भाई, ये दिखा रहे हैं इन्होंने हमारे अगेंस्ट ना रेड कार्ड इशू कर दिया है, तो हमारा एक प्लेयर बाहर हो गया यार, अब हम लोग जो है वो 11 के अगेंस्ट 10 खेल रहे हैं और डेफिनेटली हराएगी अपनी इंडियन टीम सुपर डुपर। मैंने जरा बताना अभी किसका मैच आ रहा है यार, लक्ष्य सेन का क्या क्या चल रहा है अभी? अरे 3:30 आना है, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि ये लक्ष्य सेन है, इसका ये ही नंबर 19 राइट नाउ वर्ल्ड रैंकिंग में, और एक्सेलसन है ना ये नंबर 2 है, और बट सेन जो है वो पहले ही सबको हरा चुका है, वो उसने अपने से 6 वाले को भी हराया लास्ट मैच में, रैंकिंग 6 या 7 थी उसकी, और चाउ जो था, और एक उससे पहले अपने इंडियन को हराया था, वो भी आई थिंक उसकी 12 या 13 थी, तो अभी तक सब मतलब ही इज इन अ वेरी गुड फॉर्म राइट नाउ। ये तो हॉकी का मैच है और अभी अपना हॉकी में भी ना यार अभी एक रेड कार्ड मिल गया यार भाई,
सो भाई ओलंपिक्स मेरे ख्याल से, देखो सेन का है इसके साथ, और एक ये है, ये दो भी हैं, ये दे आर आल्सो गुड। ये सेन तो 19th नंबर पे है, ये देखो 19th अच्छा पे लक्ष्य है। से 19th है वर्ल्ड वर्ल्ड हाँ, सीड रैंकिंग में। ओके हाँ और इसके साथ है और हमारा नंबर 3 के साथ है, टू नंबर 2 एलेक्सन्स के साथ, एक्सेलसन। एक्सेलसन। ये कहाँ गए, ये फ्लैग कहाँ गए, स्विट्जरलैंड का तो नहीं लग रहा। ना पता नहीं कहाँ, कोई एशियन कंट्री होगी, उन्हीं बैडमिंटन तो हाँ उन्हीं में ही बढ़िया यार। अपना ज्यादा। देखो अपना ये देखो हमारा प्रणव है HSV 30, इसको भी हराया इसने, लक्ष्य ने इसको इसको हराया। 13 रैंकिंग है, हमारे बंदे को भी हराया है हाँ अपने बंदे को हरा के वो पहुंचा है इसमें। सेमीफाइनल में ना। हाँ, ग्रेट यार, और और इसकी गेम बड़ी अग्रेसिव है यार, बड़ी जबरदस्त है। इससे पहले वाले मैच में इसने इसे टीसी चौक को हराया था हाँ टीसी चौक के साथ बड़ा खतरनाक मैच हुआ था यार। बट वो बंदा ही इज 34 years old एंड लास्ट ईयर उसको कैंसर हो गया था, कैंसर से ही हैज हाँ, रिकवर्ड। बट मेरी नजरों में यार वो रियल चैंप है यार, क्योंकि बहुत वो अच्छा खेला है, क्योंकि उसने दोनों ही। कमबैक किया है उसके बाद ना कैंसर के बाद यार, इज अ हाँ रियल चैंप नहीं ही इज आल्सो गुड यार, इतना प्रैक्टिस अच्छी की है इसने, यार। आधी उम्र इज का है लक्ष्य प्रिपेयर्ड। सैनी, जस्ट आधी उम्र ना, बट फिर भी यार 19 से यार मेडल तो उसने। लाया भाई। तो भाई जो अपने भाई लोग अपने ओलंपिक्स को नहीं देख रहे हैं, ओलंपिक्स को नहीं देख रहे हैं, मेरे को हमेशा मैडम मेरी करेक्ट करती रहती है, अंग्रेजी अच्छा हमको सिखा रिया है। अंग्रेज बंदे की अंग्रेजी सही कर रही है। एनीवेज बेटर है बट तो भाई कह रहे हैं ये कि जो बंदे हमारे ओलंपिक्स को नहीं फॉलो कर रहे, ओलंपिक्स को नहीं फॉलो कर रहे, वो उसको करो यार फॉलो यार, अपने देश को चीयर अप करो यार। ऑल 3 cheers to India बहुत भाई, अच्छा मारा क्या है तेज यार। गोल मारा यार, चाहिए भाई। ये भाई वी आर गोइंग टू एम्बियंस, और एम्बियंस में पार्किंग बहुत दूर मिली है, और इन्होंने बड़ा सही सिस्टम बना रखा है यहाँ पे, इन्होंने शटल चला रखी है, फ्री शटल सेवा। तो भाई साहब एम्बियंस आ गए हैं, और इतनी ज्यादा भीड़ हुई पड़ी है ना यहाँ पे, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ यार, पता नहीं लोग बड़ी इतनी शॉपिंग करने आए हुए यहाँ पे क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो भाई अब हम आ गए हैं पॉल पे, लकीली हमें सीट मिल गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत रश होता है यार। तो डन हो गया काम अपना, बस अब सैंडविच आ रहा है वो खा के फिर करेंगे बाकी के काम। तो भाई हमारे आ गए चिकन हॉट डॉग और चिकन सीजर सैंडविच, तो ये पॉल का हमारा फेवरेट है, दिस इज व्हाट वी लाइक टू हैव हियर। तो गाइस हम अपना आज का व्लॉग अब यहीं खत्म करते हैं, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, माय नेक्स्ट व्लॉग ऑन माय चैनल विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमोरीज ऑन यूट्यूब। आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, स्लीप टाइट।